A very good morning, dear children. Welcome back to your online classes after your half-yearly exams. I hope you all are doing great. So children, today we are going to proceed our syllabus for your unit cycle 3, which will be done in the month of December. Okay, so let's start with a new chapter in EVS, which is chapter 7, People and Their Workplaces. And in this chapter, we will be studying about द नेबरहुड सर्विसेज. हम नेबरहुड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पीपल हु हेल्प अस, हु मेक अवर लाइव्स ईजी एंड कम्फर्टेबल, और उनके वर्क प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो वॉट इज नेबरहुड, वॉट आर नेबर्स, क्या होता है नेबरहुड, नेबर्स कौन होते हैं, डू यू नो. सो चिल्ड्रन, द फैमिलीज लिविंग अराउंड अस फॉर्म अवर नेबरहुड. जो हमारे आसपास जो फैमिलीज रहती हैं वो हमारा नेबरहुड फॉर्म करती हैं, पड़ोस जिसे हम कहते हैं हमारे, और नेबर्स को क्या कहा जाता है, पड़ोसी, राइट. There are many resources provided by our neighborhood. बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं हमारे नेबरहुड से, और बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं जिनसे हमारी लाइफ ईजी होती है. और जब मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी तो आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हद तक पहले से भी मालूम हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये हमारी नेबरहुड सर्विसेज हैं. ये वो लोग हैं जो हमें हेल्प करते हैं और हमें इनकी हमेशा नीड होती है. सो लेट्स स्टार्ट. नेबरहुड सर्विसेज. चिल्ड्रन, वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु मेक अवर लाइव्स इजी टू लिव. दे गिव अस अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कंफर्ट. दे प्रोवाइड सर्विसेज इन मार्केट प्लेस, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पार्क, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक एट्सेट्रा. द सर्विसेज दे प्रोवाइड अस आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज. हमारे आसपास आपको पता है ऐसी सर्विसेज हैं जैसे मार्केट प्लेस में, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पार्क, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, इन सभी जगह पर हमें प्रोवाइड की जाती है, राइट. और हम इन सर्विसेज को क्या कहते हैं, नेबरहुड सर्विसेज. सो व्हाट आर नेबरहुड सर्विसेज, सर्विसेज विच वी गेट अराउंड अवर लोकेलिटी आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज. इट्स वेरी सिंपल. सर्विसेज विच वी गेट अराउंड अवर लोकेलिटी, हमारे आसपास, हमारे लोकल एरिया में, हमारे आसपास जो सर्विस हमें हमें मिलती हैं, हमारे आसपास प्रोवाइड की जाती है, दे कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज. दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एट्सेट्रा. ये सर्विसेज हमें कहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, मार्केट में, बैंक में, स्कूल में, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सभी जगह पर हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. दी सर्विसेज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज. ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी, उसके बाद मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगी. आप यहाँ पर पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्कूल, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बैंक, इट इज द पिक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल, इट इज द पिक्चर ऑफ अ पोस्ट ऑफिस, it is a picture of green grocer and it is a picture of grocer, it is the picture of a police station, a gardener, you can see the gardener in the park, and it is a picture of a park. So children, these are the pictures जो कि हमारे आस पास अक्सर हमें अपने रोज़ाना के काम में, दैनिक कार्यों में हमें चाहिए. ये पिक्चर्स हमें देखने को, हमें रियल में देखने को मिलती हैं. ये सुविधाएं, ये सर्विसेज हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं.
बिना वेजिटेबल्स लिए आप घर में खाना नहीं बना सकते, बिना पल्सेस के, बिना स्पाइसेस के, यस, बिना मसालों के, बिना दालों के घर में खाना नहीं बन सकता। स्कूल जाना ज़रूरी है, अगर हम इल हैं या हमारे रेगुलर चेकअप्स होने हैं तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, और बैंक से कैश कराने के लिए, विड्रॉ के लिए तो हमें बैंक जाना ज़रूरी है, डिपॉज़िट करने के लिए। पोस्ट ऑफिस से हमारे घर में कोई कुरियर, कोई लेटर है वो आता है, ठीक है। पुलिस स्टेशन, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई हमें इशू है, कोई कंप्लेन है तो हम पुलिस के पास जाते हैं, बैंक में पार्क में जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाया जाता है, रिलैक्स करने के लिए हम पार्क में जाते हैं। तो ये सभी हमारी नेबरहुड सर्विसेज हैं। ओके, मार्केट प्लेस, स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पार्क, तो ये सब क्या है, हमारी नेबरहुड सर्विसेज। पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी है, मैं अब इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। हु इज ग्रोसर एंड हु इज ग्रीन ग्रोसर, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ग्रोसर्स सेल पल्सेस, सीरियल्स, कुकिंग ऑयल, स्पाइसेस, मिल्क, ब्रेड, बटर एट्सेट्रा। ग्रोसर्स जो होते हैं वो क्या क्या सेल करते हैं, दाल, मसाले, कुकिंग ऑयल, दूध, ब्रेड, बटर, ये सब सेल करते हैं, बेचते हैं, कौन, ग्रोसर्स। ओके, जी आर ओ सी ई आर एस, ग्रोसर्स, राइट। ग्रीन ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स सेल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन ग्रोसर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सेल करते हैं, बेचते हैं, राइट, ग्रीन ग्रोसर्स। ओके, ग्रोसर्स अब आपको मैंने बता दिया है और ये है ग्रीन ग्रोसर्स, ठीक है। टीचर्स टीच अस, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स एट अवर डोर स्टेप। पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स या पार्सल्स जो होते हैं वो हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स, टीचर्स, पोस्टमैन, इन लोगों के बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ लेट्स प्रोसीड। द पुलिसमैन हेल्प इन कैचिंग थीव्स एंड ठग्स। जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं हमारी, कैचिंग थीव्स एंड ठग्स। जो चोर होते हैं, किसी तरह का जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं पुलिसमैन। अ गार्डनर वर्क्स हार्ड टू मेक पार्क्स ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग फ्लावर्स एंड ट्रीज। गार्डनर क्या करता है, ही वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत करता है टू मेक पार्क्स ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग फ्लावर्स एंड ट्रीज। पार्क में फ्लावर्स और ट्रीज को प्लांट करके क्या करता है, पार्क को ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड। अ स्वीपर कीप्स द पार्क क्लीन। स्वीपर क्या करता है, पार्क को क्लीन करता है, स्वीप करता है, सफाई करता है वहां की। अ बैंकर ओपन्स अवर अकाउंट इन द बैंक एंड मेंटेन्स इट। अ बैंकर, बैंकर कौन होता है, जो बैंक में काम करता है। बैंकर क्या करता है, हमारे अकाउंट्स जो होता है, बैंक अकाउंट्स, उनको ओपन करता है, मेंटेन करता है। ओके, तो हमने ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर, टीचर्स, पुलिसमैन, गार्डनर, पोस्टमैन, स्वीपर, बैंकर, इन सब के बारे में पढ़ लिया, ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं और किस प्लेस पे हमारे लिए क्या हेल्प की जाती है। इनके वर्क प्लेसेस के बारे में पढ़ते हैं। वी सी ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स, शॉपकीपर्स इन अ मार्केट प्लेस। हमें मार्केट प्लेस पे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या मिलता है,
ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स, शॉपकीपर्स, सभी हमें मार्केट एरिया में मिलते हैं, राइट। हमें वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, पल्सेस लेनी है, कुकिंग ऑयल, बटर, ब्रेड और यूटेंसिल्स लेने हैं, क्लोथ्स लेने हैं, फुटवेयर्स लेने हैं, कुछ भी हमें लेना है तो हमें मार्केट प्लेस में मिलता है। ओके, अ बैंक इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप अवर मनी सेफ। बैंक कैसी जगह है, क्या मिलता है वहाँ पर, क्या होता है? बैंक में हमारा जो मनी है उसे सेफ रखा जाता है। हम अपने मनी को, अपनी मनी को वहाँ पर बैंक में सेफ रख सकते हैं। अ पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस वेयर वी कैन कंप्लेन रिगार्डिंग एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। और पुलिस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो हम उस चीज़ की कंप्लेन पुलिस से कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जाकर। अ डिस्पेंसरी इज अ प्लेस वेयर अ पेशेंट कैन विजिट अ डॉक्टर एंड गेट मेडिसिन। डिस्पेंसरी क्या होता है? डिस्पेंसरी हॉस्पिटल के बारे में आप सभी जानते हैं। देखो, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल एक ही जैसी, एक ही चीज़ है। वहाँ पर भी पेशेंट्स को देखा जाता है, डिस्पेंसरी में भी और हॉस्पिटल में भी। लेकिन क्या डिफरेंस है? हॉस्पिटल्स में रूम्स होते हैं, बेड्स होते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट किए जा सकते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड किए जा सकते हैं, वहाँ पे ऑपरेशंस हो सकते हैं। लेकिन डिस्पेंसरी क्या है? डिस्पेंसरी में सिर्फ पेशेंट डॉक्टर से मिलता है और मेडिसिंस ले लेता है, ठीक है। वहाँ पर पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जाता। ओके, तो एक शॉर्ट प्रोसेस है ये। अ डिस्पेंसरी इज अ प्लेस वेयर अ पेशेंट कैन विजिट अ डॉक्टर एंड गेट मेडिसिंस। अ पोस्ट ऑफिस, अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर लेटर्स आर रिसीव्ड एंड देन सेंट आउट टू देयर डेस्टिनेशंस। जहां पर लेटर्स आते हैं और वो कहाँ पहुँचाए जाते हैं? अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे, जहाँ जाने होते हैं उनको वहाँ पहुँचाया जाता है। वी कैन बाय स्टैम्प्स, एनवलप्स, पोस्ट कार्ड्स एट्सेट्रा फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या ले सकते हैं? स्टैम्प्स ले सकते हैं, एनवलप्स ले सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स ले सकते हैं। ओके, दीज आर द वर्क प्लेसेस। उसके अलावा आपको पता है कि स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, बैंक का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हमने मार्केट प्लेस के बारे में जान लिया है, पार्क का आपको पता है कि पार्क में क्या होता है, वी गो टू द पार्क टू रिलैक्स फॉर द मॉर्निंग वॉक ऑल्सो, एंड बच्चे जाते हैं खेलने के लिए पार्क में, ठीक है। तो ये सब वो प्लेसेस हैं जो हमारी हेल्प के लिए हैं, ये सब नेबरहुड सर्विसेज हैं। तो हमने पीपल के बारे में भी पढ़ लिया और उनके वर्क प्लेसेस के बारे में भी पढ़ लिया है, राइट। So children, now I'm going to give you a homework related to this video. And your homework is question number 1, what are neighborhood services? Neighborhood services क्या है, किसे कहा जाता है? Okay? Question number 2, name some of the neighborhood services. आपको कुछ neighborhood services के name write करने हैं. Question 3, write a short note on. आपको छोटी छोटी छोटा सा नोट लिखना है इनके बारे में, 2-3 लाइन्स में, 2-2 लाइन्स में लिख सकते हैं आप। किस किस के बारे में लिखना है आपको? बैंक, पुलिस स्टेशन एंड डिस्पेंसरी। आपको इन तीन चीज़ों के बारे में सिर्फ उतना ही लिखना है जितना आपको इस वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। मैं आप लोगों को एक बार फिर यही बात कहूँगी कि आप सभी को इसी वीडियो को अच्छे से देखना है। रीडिंग हम चैप्टर की बुक से ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को जो ये क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, इन सभी के आंसर्स आपकी इसी वीडियो में हैं। आपको बुक से फाइंड आउट करने की कोई नीड नहीं है। ओके, चैप्टर आप रीड ज़रूर कर सकते हैं, वो मैं भी कराऊंगी, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो से फाइंड आउट करने हैं, ताकि आप वीडियो अच्छे से भी देखेंगे उससे, और वीडियो को एक बार रिपीट भी देखिए ताकि आपको इजीली आंसर्स मिल जाएं। और जो आपको बैंक, पुलिस स्टेशन और डिस्पेंसरी के बारे में लिखना है, वो भी आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं इसी वीडियो से। ओके, बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर लिखने की कोई नीड नहीं है, और बुक से भी लिखने की कोई नीड नहीं है। जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली, जस्ट वॉच द वीडियो अगेन, एंड प्लीज़ स्पेलिंग्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे सभी, और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करेंगे।
स्टार्ट कर दीजिए यूनिट साइकिल 3 का वर्क और उसी मेहनत से, उसी लगन के साथ प्लीज़, ठीक है। और साथ साथ वर्क करते रहिए। बार बार अगर आप अपना वर्क छोड़ देंगे, उसको कल के लिए छोड़ देंगे, तो प्लीज़ आप लोग परेशान होंगे, आपका वर्क पेंडिंग रहेगा। प्लीज़ बी केयरफुल, बी अटेंटिव, अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से वर्क कीजिए, ओके। थैंक यू चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ।